सो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुकी है नॉइज इवॉल्व 4, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे इसी स्मार्ट वॉच के बारे में। चलते हैं फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ मिलता है बॉक्स के अंदर, एक्चुअल में कैसे दिखती है स्मार्ट वॉच, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है यहाँ पर नॉइज हालो प्लस से, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, तो एंड तक आप लोग बने रहना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर ही वॉच की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है और ये मेरे पास इलाइट एडिशन आई है प्रॉपर जेट ब्लैक के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर्स भी लिखे हुए हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम। बॉक्स ओपन करते हो सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, इसको रीड करके आप लोग वॉच को ऑपरेट कर लोगे। बाकी और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नॉइस के कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ मिलता है पोको पिन चार्जिंग केबल और इसकी केबल की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोवाइड करती है कंपनी। बाकी यह है स्ट्रैप एडजस्टमेंट टूल, इसकी हेल्प से आप लोग इसके स्ट्रैप को छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसकी क्वालिटी कुछ खास देखने में नहीं लग रही यार, मोस्टली स्मार्ट वॉचेस में आपको ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। और फाइनली ये रही स्मार्ट वॉच, जहां पर आप लोगों को काफी जबरदस्त प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। नॉइज हालो प्लस जैसा ही लुक यहां पर भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है, 22mm का मेटेलिक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे ग्लास फिनिश का यूज किया गया है और यह स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा प्रीमियम भी देखने में लगती है। और साइड में वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया है, इसको स्क्रॉल करके आप लोग वॉच फेसेस मैन मेन्यू वगैरह ऑपरेट कर लोगे। नीचे एक शॉर्टर बटन प्रोवाइड किया जाता है, इसको प्रेस करके आप लोग स्पोर्ट्स मोड में चले जाओगे। अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो हाँ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम किया कंपनी ने, मतलब सेम वैसी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जैसा कि नॉइज हालो प्लस में देखने को मिला था या फिर नॉइज इवॉल्व 3 में देखने को मिलता है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.46 इंच की काफ़ी बढ़िया एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स मिल जाता है। इसी स्मार्ट वॉच को मैंने आउटडोर में भी यूज़ किया था, विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। काफ़ी बढ़िया कलर एक्यूरेसी कंट्रास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो AOD के दो वॉच फेसेस मिल जाते हैं, एक है पॉइंटर दूसरा है डिजिटल, और इसकी भी ब्राइटनेस यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक निकल के आती है। इनडोर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं है विजिबिलिटी को लेकर, लेकिन अगर इस वॉच को आप लोग आउटडोर में यूज करते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, तो वहां पर थोड़ा सा इश्यू फेस करने को मिल सकता है। बाकी एज सच मुझे ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं लगी डिस्प्ले को लेकर। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग, इसी के साथ साथ SOS कॉलिंग का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग ऊपर वाले क्राउन को 4 times प्रेस करते हो तो यहाँ पर SOS कॉल लग जाती है, लेकिन इसको आप लोगों को एप्लीकेशन में जाके एनेबल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हेल्थ ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, ब्रीथ मॉनिटर, 100+ स्पोर्ट्स मोड भी प्रोवाइड किए गए और यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हो उसका डेटा बाद में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करें बेसिक फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉप वॉच, अलार्म, फ्लैश लाइट एंड फाइंड माई फोन जैसे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए। बाकी यहाँ पर आप लोग को ऑटो स्पॉट डिटेक्शन भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेटर जैसे यूजफुल फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। वाटर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने IP68 की रेटिंग प्रोवाइड की है। अभी ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को यही IP67 या फिर IP68 ही देखने को मिलती है, बट 3 ATM या फिर 5 ATM कोई भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती है। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर रही है कंपनी इस मामले में, लेकिन हाँ इस वॉच को भी पहनकर आप लोग नॉर्मली बारिश में निकल सकते हो, कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है up to 7 days का, लेकिन हाँ अगर स्मार्ट वॉच को आप लोग नॉर्मली यूज़ करोगे तो आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। बट कॉलिक प्लस AOD वॉच फेस यूज करने पे यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाला है। तो यही थे इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स। बाकी बात करें UI परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे काफी ठीक ठाक वर्क करती है स्मार्ट वॉच की UI, बहुत ज्यादा भी स्मूथ नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा लैगी भी नहीं है, मतलब आप लोग का काम चला देगी, इरिटेटिंग फील आप लोगों को नहीं होने वाला। बात करेंगे इस वॉच के एक्यूरेसी के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच को पहन के मैंने कई मरतबा अपना हार्ट रेट और SpO2 को भी चेकआउट किया था, हर मरतबा यहाँ पर सिमिलर रीडिंग देखने को मिली है मेरे को। अभी भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक रीडिंग प्रोवाइड कर देती है स्मार्ट वॉच, तो डेफिनेटली आप लोग नॉर्मल आइडिया लेने के लिए इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हो। बट इस पर डिपेंड कभी भी मत रहना, क्योंकि स्मार्ट वॉचेज इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती हेल्थ को लेकर, सीरियस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट किया करो।
तो अभी तक मैंने आप लोगों को सारी ही चीज़ें टेस्ट करके दिखा दी वीडियो के अंदर। अब बारी आती है कॉलिंग टेस्ट की, तो फटाफट इसे भी चेकआउट कर लेते हैं। हेलो। हाँ ब्रो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। अच्छा, मेरे पास वॉच आई थी, उसी से कॉल कर रहा था। अच्छा, तेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है यार, मतलब दूर से बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं फोन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ वैसे कैसे आ रही है? मेरी आवाज़ आती है। चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में, है ना? ओके। कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख लिया है, आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर दी है कंपनी। इसी स्मार्ट वॉच को आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो कॉलिंग पर्पज़ से। लेकिन जब इस स्मार्ट वॉच को आप लोग आउटडोर वगैरह में यूज़ करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू फेस करने को मिल सकता है। मतलब स्पीकर का जो वॉल्यूम है ना, थोड़ा सा कम लगा मुझे, सामने वाले की आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी। और हाँ, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वॉच के थ्रू क्या हम कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन पे, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। मतलब फ़ोन के थ्रू आप लोग वॉच पे कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वॉच से आप लोग फ़ोन पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और अगर आप लोग वॉच के थ्रू कॉल करते हो और कॉलिंग के टाइम पे आप लोग वॉच का ऊपर वाला बटन प्रेस कर देते हो तो कॉल डायरेक्टली फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसके बाद फ़ोन से वॉच पर ट्रांसफ़र नहीं होगी कॉल। और गाइज, अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं क्या आप लोगों को नॉइज़ इवॉल्व 4 स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए अंडर 4,000, या फिर इस प्राइस सेगमेंट में किसी और स्मार्ट वॉच को चेकआउट करना चाहिए। तो अगर आप लोग 4,000 रुपये के अंदर कोई बढ़िया सी क्लासिक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो जहाँ पर आप लोग को प्रॉपर मेटेलिक बिल्ड चाहिए, तो डेफिनेटली इसी स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच बन जाती है अंडर 4,000, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ एक बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी और कॉलिंग क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो देख लेना आप लोग इसी स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हो अंडर 4,000, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।